बर्तन पड़े हुए हैं धोने वाले, और यहाँ पर जो है ना जिशान लेकर आए हैं सामान पुलाव का, कि पुलाव बनानी है मटर की। तो ये सब प्याज वगैरह जो है ना हम अलग कर देंगे। मटर जो है वो मैंने छील लिए हैं, दही भी लेकर आए हैं ये, तो मैंने इनको भेजा है अभी चटनी का सामान लाने के लिए, क्योंकि मैं मटर के चावलों में ना मेरा दिल नहीं कर रहा आलू डालने का, क्योंकि आलू जो है ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। तो इनको जो है मैं अलहदा से रख लूँगी, बाकी प्याज तो ये चले जाएंगे इस टोकरी में। अब इसके अंदर हम बाकी का जो सामान है हमारा हम वो अलग कर लेंगे, टमाटर, अच्छा हरी मिर्चों को भी ना मैं अलग कर लूँगी। इसके अंदर अभी एक लहसुन दिखा था, अगर वो मिल गया तो काम हो जाएगा अपना। तो ये रहा, मिल गया मुझे लहसुन, और इशाल आ चुकी है किचन में। उल्टे काम नहीं करो, हट जाओ। तो ये है कि हरी मिर्च और लहसुन मैं पीस लूँगी, पीसूँगी नहीं मतलब कूट क्रश कर लूँगी थोड़ा सा मोटा मोटा। अच्छा से मटर के दाने भी साथ जा रहे हैं। अच्छा इशाल को मैं कह दूँ ना इशाल घर समेट लो, चीज़ें समेट लो, तो इशाल ना थोड़ा सा नहीं करती, इग्नोर करती है मेरी बात को। किचन का काम हुआ ना इशाल फ़ौरन आ जाएगी, पता नहीं क्यों मेरी इशाल के अंदर ये क्या है। मतलब ये इशाल को भी ना कुकिंग में दिलचस्पी है। तो खैर चलो मैं ये सब समेटती हूँ और फिर मिलती हूँ खाना बनाने के बाद, या मिलती हूँ खाना पकाते वक्त, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और आज मैं बना रही हूँ मटर वाले चावल। तो मटर का सीज़न जो है, सब्ज़ी का जो सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है, तो ये सब चीज़ें जो है वो मैंने अलग कर ली हैं, और अब अपनी कुकिंग करते हैं हम लोग स्टार्ट, और देखते हैं मटर के पुलाव कैसे बनती है। मतलब किस तरह बनती है, मतलब एक होती है ब्राउन पुलाव, गोल्डन गोल्डन सी, हमें गोल्डन नहीं बनानी, हमें सिर्फ वाइट और जो मटर की चावल जिस तरह बनते हैं ना वाइट पुलाव वो बनानी है। तो देखते हैं मुझसे बन पाती है या नहीं, तो करते हैं कुकिंग स्टार्ट अपनी। और यहाँ पर जो है मेरा मूड चेंज हो गया है, तो मैंने आलू भी कट कर लिए हैं, और अब मैं जो है ना इसको हरी मिर्चों को और लहसुन को जो है मैं इसमें कूट लूँगी। जूसर मशीन से ज़्यादा मुझे इसमें मज़ा आता है कूटने में ना। चावल को जो है मैंने भिगो लिया है, और चावलों को ना मैं अच्छे से धो लूँगी। चावल जो मैंने सिर्फ भिगोए हैं, धोए नहीं है। इस तरह इनको मैं हाथ मारूँगी और अच्छे से जो है ना हाथ चावलों को धो लूँगी, मसल मसल के धो लूँगी। अब पानी जो है वो चुंडी में तो आता नहीं है, तो मैंने परात में जो है ना काफ़ी अच्छा खासी पानी ले लिया है, और उसी के अंदर जो है मैं चावल धो रही हूँ। अब इस पानी को मैं दोबारा से चेंज कर दूँगी। तो ये देखें चावल में जो जो चीज़ें थी वो सब ऊपर आ गई हैं। तो इसको जो है मैं पानी चेंज कर लूँगी। पानी जो है वो मैं निकाल चुकी हूँ, अब दूसरा पानी जो है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। चावल जो है वो भीग चुके हैं, और पतीलिया जो है वो मैंने रख लिया है, नॉन स्टिक वाले में नहीं, इसमें नहीं बना रही हूँ मैं, इसमें बनाऊँगी, क्योंकि इसमें चावल जो है ना बिल्कुल चिपकते नहीं हैं, कड़क नीचे के जो चावल होते हैं चिपकते नहीं हैं, वो ना बिल्कुल कड़क से हो जाते हैं, तो मुझे ये बेहतर लग रहा है। तो इसके अंदर जो है मैं बनाऊँगी, और जल्दी जल्दी जो है हम अपनी मिर्चें और लहसुन पीस लेते हैं। अच्छा आज का जो व्लॉग है ना उसके अंदर मैंने कुछ भी वीडियो में स्किप नहीं किया हुआ है, जैसे जैसे मैं वीडियो बना रही थी इसी तरह जो है ना आज मैंने कोशिश करी है कि वो सब जो है ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूं, और जो है ना ज़्यादा मैंने वॉइस भी नहीं इसमें रिकॉर्ड करी है, जो मेरी रियल मतलब जो रियल वीडियो में बोल रही हूँ। तो आज जो है ना व्लॉग जो है ना वो बिल्कुल रियल वॉइस में बनाया है, ज़्यादा वॉइस जो है ना मुझे रिकॉर्ड अलग से नहीं करनी पड़ी है। तो यहाँ पर जो है हमारा लहसुन और हरी मिर्ची जो है वो पीस लिए हैं मैंने। में जो है हम जिशान को और इशाल को भी लगाएंगे काम पे। तो ये रही हमारी प्लेट, ये रहा पुदीना, और ये जा रहा है इन लोगों के पास।
बस मैं किचन में जाती हूँ ना, तो बस मेरा यही होता है कि 10 से 15 मिनट बस, इससे ज़्यादा ऊपर टाइम नहीं लगता मुझे कुकिंग करते वक्त। और मुझे बिल्कुल कुकिंग में ना आसानी चाहिए होती है, जो जो मेरे हाथ में मसाले आते हैं ना जो है ना, वो मैं फटाफट डालती चली जाती हूँ। मसाले मुख्तसर रखे हुए हैं जो मतलब रेगुलर इस्तेमाल के होते हैं ना किचन में, बस मैं वही मसाले रखती हूँ, इसके अलावा मैं फालतू मसाले नहीं रखती। और कोशिश करती हूँ कि ना जल्द से जल्द जो काम हो वही मैं करूँ। पुदीना और ज़ीरा और नमक, बस ये जो है हमारी लहसुन और पुदीने की चटनी जो है वो तैयार हो रही है यहाँ पर, तो ये देख सकते हैं आप। तो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें भी शामिल करी हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं हरी मिर्चें निकाल लूँ इसमें से। प्याज जो है वो मैंने इसके अंदर काट दिया है, हमारा आ चुका है पुदीने को जो है इस सामान में डाल। तो ये देख सकते हैं कितनी कलरफुल सी जो हमारी चटनी है वो रेडी हो जाएगी। तो ये हो चुका है हमारा चटनी का जो है वो सामान, और साथ प्याज को जो है हम तेल में फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। तो चटनी जो है वो यहाँ हमारी रेडी हो गई है, ना चाहते हुए भी जो है हमारे प्याज जो है वो थोड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और पुलाव का जो भी कलर होता है ना वो सारा जो है ना वो प्याज़ों के ऊपर होता है। अगर आपको पुलाव का कलर तेज़ रखना है तो प्याज जो है वो आपको कम फ्राई करने होंगे, कम मतलब गोल्डन करने होंगे। और अगर आपको पुलाव का जो कलर है वो तेज़ रखना है तो आपको जो प्याज का जो हमारा कलर होता है उसको जो है ना हमने डार्क देना होता है, इससे हमारी पुलाव जो है उस पर कलर जो होता है ना उस सारा जो पुलाव का जो कलर होता है ना वो जो है ना आपके प्याज के ऊपर होता है शायद नहीं कंफर्म। तो हरी मिर्ची और लहसुन जो है वो अच्छे से जो है भुन चुका है, साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर का पेस्ट। साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर भी चला गया। पानी जो है वो हमारा बॉईल हो गया है, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे चावल। यहाँ पर जो है मैंने एक शॉट ले लिया था स्लोमो वीडियो का, और मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने व्लॉग में स्लोमो वीडियो जो है ना बनाई है। तो उम्मीद है आपको जो मेरी ये वाली वीडियो है ना स्लोमो वो पसंद आएगी, तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो आप लोगों ने भी कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को स्लोमो वीडियो कैसी लग रही थी, और वाइट वाइट चावल और हरे हरे मटर तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। चावलों को जो है वो मैं दम पे रख रही हूँ, चावल जो है वो हमारे रेडी हो चुके हैं, और इसको वो यहाँ पे जो है प्याज कश कर ली है, रायता भी रेडी है, और चटनी भी हमारी जो है। चावल जो है फाइनल हमारे तैयार हो गए हैं, दम पे लग गए हैं, और अब इनको मैं दम से हटा लूँगी ताकि चावल ज़्यादा नरम नहीं हो जाए। तो यहाँ पर जो है मैंने दोबारा एक स्लोमो वीडियो बना ली थी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, और जो है ना व्लॉग में ना थोड़ा सा स्लोमो वीडियो भी जो है वो मैंने आज ऐड कर दिए। तो मज़े की बात यह है कि आज के दिन जो है ना मेरी बर्थडे भी थी, तो खाना खाने के बाद जो है हमने छोटी सी मिनी बर्थडे जो है अपनी वो जो है ना कर ली थी। इशाल बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि मम्मा की बर्थडे है, अच्छा मुझसे ज़्यादा इशाल खुश थी, और इशाल की वजह से जो है ना मैंने इनको कहा था कि आप जो है ना ले आओ, क्योंकि मैं और इशाल बातें कर रही थी सुबह से ना, कि मैं इशाल से ऐसी बात कर रही थी, मैंने कहा आज मम्मा की बर्थडे है, मम्मा को क्या गिफ्ट करूँगी। तो खैर वो जो ना वो इतनी खुश थी पूरा दिन से लेकर रात तक, जब हस्बैंड आए मेरे घर पर जीशान तो बोल रही थी कि मम्मा के लिए केक लाओ, बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी। तो फिर मैंने जीशान को कहा आप केक नहीं लाना, आप जो है ना पेस्ट्रीज ले आना, केक जो है ना मतलब उसमें इतनी सारी आइस होती है और केक बहुत ज़्यादा कम होता है। तो पेस्ट्री मैंने मंगवाई थी, मैंने कहा केक के चारों तरफ जो ना, एक तो हमने छोटा केक मंगवाना था, और फिर केक में ना चारों तरफ तो आइस 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 होती है, तो इसलिए क्रीम वगैरह जो होती है आइसक्रीम जो
आइसक्रीम के आइस केक के अंदर ना क्रीम ज़्यादा डली होती है, तो इसलिए जो ना मैंने कहा नहीं आप पेस्ट्री ले आए, तो इसीलिए जो ना जिशान पेस्ट्री ले आए थे। और यहाँ पर हमने छोटी सी मिनी बर्थडे कर ली थी खाना खाने के बाद। व्लॉग मेरा पसंद आया, व्लॉग को कर देना है आपने लाइक कमेंट शेयर, चैनल को कर देना है आपने सब्सक्राइब। थैंक यू आप सबका जो भी मतलब मेरे चैनल पर नए हैं और जो भी मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, थैंक यू सो मच। और सबके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना, कम आते हैं कमेंट लेकिन बहुत अच्छे कमेंट आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, जितना भी मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूँ उतना कम है। इसी तरह जो है ना सपोर्ट करते जाएं, और आप सबकी सपोर्ट की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह जो है ना वीडियो का जो लिंक होता है ना, वीडियो को जो मतलब आगे शेयर कर दिया करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर जो है ना आप लिंक जो है डाल सकते हैं, या आपके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं तो वो सब जो है ना आप अपने लिंक शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो का अपने कॉन्टैक्ट्स में। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।